चाबी। लो गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा आपके जीजू जा चुके हैं और आज मैंने सुबह सुबह उनको कैप्चर कर लिया। एक्चुअली अच्छे लग रहे थे, स्मार्ट लग रहे थे। तो मतलब क्या हुआ, मैं ये सोची थी कि मैं जल्दी से इनका मतलब थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो गए और आपको पता है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। और वो ऐसे है भी नहीं कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ मेरी वीडियो बनाने में, उनको तो जब जाना है तो जाना ही है और वो वीडियो वगैरह के इतने ज़्यादा वो भी नहीं है। और मैं रोकती रह गई और वो चले गए। लेकिन वो जैसे ही चले गए ना, तब मेरा फ़ोन ऑन हो गया। तो मैंने सोचा नीचे उतरेंगे ना तो मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो अपनी चाबी भूल गए तो फिर रुक गए वो थोड़ी देर के लिए। तो या अब वो जा चुके हैं और आज रात को आएंगे नहीं, कल रात को भी नहीं आए थे, अभी सुबह ही आए थे मॉर्निंग में, अब फिर आज रात को नहीं आएंगे। जब काम होता है तो फिर इतना होता है कि कई बार नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो चलो अब दिन की शुरुआत हुई है और मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने कोई भी मेकअप नहीं कर रखा है, सिर्फ जस्ट मुंह धो के कोल्ड क्रीम लगाई है और मैंने लिप बाम लगाया, लिपस्टिक नहीं लगाई है, लिप बाम लगाई। लेकिन लिप बाम बहुत अच्छा है, ये ना लिपस्टिक का काम करता है। कौन सा मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो या बोलो बोलो, शिफा हाय करो पहले, अस्सलाम वालेकुम कर लो। शिफा आ गई, सब लोग शिफा को बहुत मिस कर रहे थे, सब कहते थे शिफा कहाँ है, शिफा कहाँ है, शिफा आ गई। शिफा कहाँ गई थी, ना लेके गिर गई थी शिफा। नो 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 चुनू नो, आप बोलो इसे 1 2 3 खेलवाओ। चुनो चुनो 1 बोलो, 1 चुनो नो चुनू नो चुनू नो, सब गीला है नीचे, सब गीला है, मम्मा धो रही है। 1 बोलो, 1 चुनू नो। तो जी आपके जीजू जा चुके हैं और हमारा सबका नाश्ता पानी हो चुका है और यहाँ पर मेरी चल रही हैं सफाइयाँ। और मैं आप लोगों को पहले बता रही थी ना कि शबी अपने मम्मी के घर गई थी, तो शबी शिफा भी उसी के साथ थी। लेकिन जब इस तरह से चीज़ें हुई तो फिर पापा को था कि नहीं अपना बच्चा वापस बुलवा लो, क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं माँ नहीं है ना, तो फिर माँ के बिना या तो पापा हों या माँ हों तो बच्चे को ठीक रहता है। और फिर पापा को लगता है कि अपना बच्चा अपने ही पास रहे तो ज़्यादा हम उसकी केयर करेंगे, तो फिर हम लोगों ने शिफा को लिया था। तो बस हमारी शिफा आ चुकी है और अब शिफा हमारे साथ ही रहेगी। और आप लोग दुआ कीजिए, और आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलो मैं जल्दी से ये काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक बहुत ही शानदार सा प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो वो प्रोडक्ट क्या है वो तो मैं आपको दिखाई दूंगी, उसे दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मैंने कहाँ से खरीदा है। वो मैंने खरीदा है बुलबुल शॉप से, और बुलबुल शॉप के बारे में आपको पता ही है कि बुलबुल शॉप एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बहुत ही ईजिली खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये खरीदा है तो वहाँ पर सिर्फ लेडीज वेयर ही मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको जेंट्स वेयर भी मिलेगा, किड्स वेयर भी मिलेगा, पिंच वेयर भी मिलेगा, एथनिक वेयर भी मिलेगा। अगर आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है तो आपको हेवी ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, गाउन्स मिल जाएंगे। अगर आपको मतलब
नाइट सूट्स वगैरह सब कुछ पूरी भरमार है वहां पर। तो आपको कुछ भी चाहिए आप वहां से जाके ले सकते हैं। अच्छा, मुझे जो पसंद आता है तो मैं वही खरीदती हूँ और वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ही ज्यादा इजी इनकी पॉलिसी है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो 7 डेज की इसकी इजी रिटर्न पॉलिसी है। तो बस हो गया। अब अगर आप लोगों को ये जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये पसंद आए और खरीदना हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करते हो कि अभी कहाँ से ले कहाँ से ले, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुलबुल शॉप का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी, वहां जाके क्लिक कर सकते हैं और आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहीं जहां से मैंने ये खरीदा है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है। तो मैंने खरीदा है ये बहुत ही प्यारा सा सूट है, ये 3 पीस सूट है। तो सबसे पहली बात तो ये मेरा फेवरेट कलर है, यू नो। तो ये है कुर्ता उसका, और ये शॉर्ट कुर्ती है, मतलब कुर्ता नहीं है, शॉर्ट कुर्ती है। और कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको पहन के दिखाऊं इसे? ठीक है, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, यू विल लव इट। ये बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है। तो ना कितना प्यारा लग रहा है। नेक इसका कुछ इस तरह से है, ये राउंड में है और इस तरह से यहाँ पर खुला हुआ भी है, यहाँ पर हुक बटन दे रखे हैं। अच्छा, और भी हैं। अच्छा, मतलब पूरा यहाँ से आगे से ओपन नेक है और इस तरफ यहाँ पर प्रिंट है और प्रिंट के ऊपर सितारा वर्क है। आप लोगों को दिख रहा है ना, ये प्रिंट वर्क है और प्रिंट के ऊपर सितारा वर्क है। ये हैंड से लगा हुआ है। ओके, साइज है ये 3XL। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ बुलबुल शॉप के बारे में कि अपने मटेरियल और साइज के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मुझसे कोरे कागज पे लिखवा लो। तो 3XL में इतना डिसेंट, मतलब 3XL, आप लोगों को पता है कि मेरा साइज 5XL है। ठीक है, मुझे 5XL कपड़े आते हैं और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि ये 3XL भी मुझे आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे देख के लग रहा है। और यहाँ मैं एक राज का भी खुलासा करना चाहती हूँ, वो राज ये है कि ये मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था, क्योंकि ये मुझे इतना पसंद आ रहा था तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो मुझे अप्पी की भी शादी की सालगिरह आ रही है, आप लोगों को पता है, फरवरी में है, तो मुझे उनको गिफ्ट करना था। तो मैंने सोचा ये मुझे इतना पसंद आ रहा है, चलो मेरे, क्योंकि इसमें 3XL ही लास्ट साइज था, तो मैंने सोचा चलो अप्पी मुझसे पतले हैं तो अप्पी को तो ये आसानी से आ जाएगा। लेकिन अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इतना अच्छा साइज, मैं मतलब भूल ही गई कि मैं बुलबुल शॉप से शॉपिंग कर रही हूँ। तो बुलबुल शॉप वालों के तो कपड़े मुझे बहुत आसानी से आएंगे, मतलब जितना साइज बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके पास ना कपड़ों की मिले हैं बहुत ज्यादा, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़े देते हैं। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत कुर्ता है। खैर, तारीफ तो बहुत ज्यादा हो गई, और ये कोई फेक तारीफ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और इसका रिजल्ट आप लोग साइड में देख लेना, मेरी मॉडलिंग प्रॉपर चल रही होगी। तो ये इसका स्लीव है, स्लीव के ऊपर बस ये इस तरह का जो एम्ब्रॉयडरी यहाँ दे रखी है ना, इस तरह ये एक पैच यहाँ पर बनाया हुआ है काफी बड़ा सा, आपको इसे दिखाते हैं, इस तरह का पैच बनाया हुआ है। ठीक है, और पैच के ऊपर कोई सितारा वर्क नहीं है, और ये बॉर्डर इस तरह का स्लीव का दे रखा है और इसके ऊपर सितारा वर्क है क्लोजली। और कपड़ा, ओहो, मतलब भाई साहब, गर्मियों में पहन लो तो आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ पहना ही नहीं, इतना सॉफ्ट। काश काश ऐसा कुछ हो कि मैं आपको मतलब छू के देख सकते हो आप, तो वो आप देख सकते हैं ना, तो आप मेरे कंधे पे कहते हैं शाबाश अप्पी, क्या चीज लेकर आए हो। ये है कुर्ती और इसके साथ है ये प्लाजो, प्लाजो नहीं है, शरारा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पता है एक बहुत बड़ी गलती हो गई इसे मैंने ना, हाँ तो वो फोन आ गया था। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे अप्पी को गिफ्ट देना था और मैंने अप्पी को बोला कि आप अपनी पसंद से ले लो, तो अप्पी को भी वही पसंद आया जो मुझे पसंद आ रहा था। और अब अप्पी को पता चल चुका है कि अप्पी के लिए, अगर काश ऐसा होता है कि अप्पी को नहीं पता होता तो ये पूरा मेरे साइज का है, पता है, मैं ही पहन लेती। तो ये है, मतलब इसके इस तरफ बेल्ट लगी हुई, बेल्ट भी इतनी अच्छी क्वालिटी की है ना भाई साहब, मतलब मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी स्ट्रेचेबल बेल्ट नहीं देखी है। वरना मतलब बेल्टें भी ऐसी ऐसी होती हैं लोकल लोकल सी, लेकिन सारा काम बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। अच्छा, इस तरफ जो शरारे का ये जो बॉर्डर दे रखा है, ये स्लीव पे जैसे दे रखा था ना उसी तरीके से है, बट उस स्लीव के ऊपर सितारे लगाए हुए हैं, यहाँ पर बॉक्सेस में इसमें नहीं लगाए। ओके, अब आते हैं नीचे की तरफ। तो आप लोगों को पहले ही पता है कि मतलब ये देखो, मैं शरारा दिखाती हूँ फिर से, ठीक है, ये मतलब इसकी ये काउंट करना, ठीक है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 अभी आपको दिख रहा है, अब ये था 5 और ये देखो 1 2 3 4 और ये फिर 5, मतलब 10 जो इसके अंदर ये जो दे रखी ना लीव्स ये, और ये आप सोच रहे हैं कि ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं है, सिर्फ एक पैर का है, मतलब मेरे
पूरे कैमरे में भी नहीं आ रहा मैं कितनी पीछे अब जाके आया है। तो ये एक पैर का है और दूसरे पैर का ये रहा। तो अब तो बस काश ही रह गया है कि काश अभी बाजी मार के चली गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप लोग कहेंगे तो क्या हो गया, आप उनको मत तो नहीं। मैं मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि जो चीज जिसके नसीब की होती है या जिसके हिस्से की होती है मैं हमेशा उसको वो देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप चीज बढ़िया आ गई और मेरे साइज से आ गई तो मैं ले लूँ, ऐसा कभी नहीं है। तो उनका नसीब था इतना अच्छा, अब आया है तो आया है। अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ इसी साल का दुपट्टा, कोई बात नहीं मैं फिर कुछ और मंगा लूंगी। इसी साल का जो दुपट्टा है वो जी रहा मतलब एक एक चीज इतनी बढ़िया बढ़िया है ना भाई साहब, जान ही ले लेंगे। दुपट्टा है ये और इतना प्यारा और इतना सॉफ्ट इसका कपड़ा है। अच्छा ये इस तरह से है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर भी ये जो कलियां है ना इनका डिजाइन है, बट इसके अंदर कुछ कुछ कलियों में हैंडवर्क भी है, जैसे कि ये सितारा दिख रहा है आपको, इसमें ये सितारा लगा हुआ है। जैसे ये बीच में नहीं लगा है, साफ दिख रहा होगा आपको, इसमें लगा हुआ है, ये बीच बीच में दे रखा है। मैं आपको ओढ़ के दिखाऊं, इसको मैं हटा दे, गजब 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 सुपर गजब सूट है ये। मतलब मेरे चेहरे की खुशी आप लोग को बता रही होगी कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो भाई मेरे हाथ से तो ये निकल चुका है, लेकिन आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लेना और मेरे कहने से एक बार बुलबुल शॉप से तो जरूर शॉपिंग करना। अगर आपको प्रोडक्ट मतलब ये जो प्रोडक्ट का मटीरियल है, इसमें दो चीज की गारंटी है, प्रोडक्ट मटेरियल और जो ये साइज बताते हैं, ये साइज बहुत अच्छा देते हैं, उसमें कोई भी कमी लगे आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आके मुझे बता के जाना कि ये हो, वैसे ऐसा कभी नहीं आएगा, ये दो चीजों की तो मेरी गारंटी है। चलो बहुत ज्यादा तारीफ हो गई है, अब आप लोग आगे वीडियो एंजॉय कीजिए। तो अब मैं बना रही हूँ खाना और खाने में मैंने बड़ी ही ज़बरदस्त सी लौकी चने की दाल बनाई है जो कि गोश्त को भी फेल करती है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग फिर कहेंगे कि आप ही रेसिपी अलग दो, बहुत से लोग तो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी चैनल ही अलग बना लो, तो चैनल तो खैर मैं नहीं बनाऊँगी अलग, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि अब से मैं हर रेसिपी जो भी बनाऊँगी वो अलग से आपको दूँगी, मतलब अलग उसका वीडियो होगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि वो वाली रेसिपी की वीडियो बता दो, तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग्स होते हैं उसके अंदर रेसिपी अंदर ही होती है, मतलब बाहर से तो कुछ ऐसा पहचान कर ही नहीं सकते आप, और इतने सारे ब्लॉग्स हैं तो बंदा भूल जाता है। तो आज से मैंने ये प्रण किया है कि कोई भी रेसिपी आपको ब्लॉग के अंदर नहीं मिलेगी, ब्लॉग में बस मैं बस जस्ट दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है, और उसी जैसे अब ये ब्लॉग आपको थोड़ी देर में मतलब आज ही मिल जाएगा और रात तक मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूंगी, मतलब सेम डे अगर ये ब्लॉग दोपहर तक भी आता है तो उसी की रात तक मैं ये अलग से रेसिपी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो और ढूंढने में भी आसानी हो और उससे भी ज़्यादा बनाने में भी आसानी हो। तो अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये वीडियो अभी थोड़े से दिन पहले का, बहुत ज़्यादा नहीं, बस अभी हमारी बिट्टू जब गई थी उसे एक दिन पहले का ही है। तो सब लोग बस खाना खा रहे थे बैठ के और शिफा भी बिट्टो के सामने ही आ गई थी, तो अब तो खैर बिट्टो चली गई हैं, और तो बस अब लोग सब बैठ के खाना खाएंगे और ये मेरी लाजवाब सी लौकी चने की दाल बन के हो गई है रेडी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से तो मेरे फ़ोन में दिखता ही नहीं है, तो बस जैसे भी दिख रहा है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी थी। तो चलो अब खाना खिलाते हैं सबको। तो जी खाना बनते ही सबसे पहले मतलब बनते भी बच्चों का हल्ला होता है कि खाना दे दो खाना दे दो, तो यहाँ पर सारे बच्चे बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं और लिबा भी इनके साथ ही खा रही हैं, और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ना तो लिबा फौरन अपनी वीडियो भी बनवा रही है लिबा के लिए आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। खैर मेरे सारे बच्चों के लिए आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। लेकिन पता है हमारे घर में एक चीज़ की बड़ी ख़राब आदत है सब में, हम इन्हें कितना ही खिला दें बच्चों को, लेकिन दादू आएंगे वो अपने साथ लेके बैठते हैं, अच्छा इनके बड़े पापा आएंगे यानी कि आपके जीजू आएंगे वो इन्हें अपने साथ लेके बैठेंगे, इनके चाचू आएंगे वो इन्हें अपने साथ लेके बैठेंगे, तो बच्चे भी वो हो जाते हैं कि हमें नहीं खाना। एक टाइम के बाद बच्चे इतने इरीटेट हो जाते हैं, फिर मुझे बोलना पड़ता है अरे भैया उन्होंने खा लिया, वो कितनी बार खाना खाएंगे। तो ये खैर घर में होता ही रहता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको और भी दिखाऊंगी, अभी इनके पापा खाना खाएंगे ना तो वो सब चीज़ें दिखाऊंगी, बट उसमें थोड़ी सी क्वालिटी वो है क्योंकि मैं ना घूंघट में थी और घूंघट में थोड़ा इधर उधर मेरा कैमरा हुआ है, बट अच्छा लगेगा आपको देखने में, वो भी देखो मज़ेदार है। देखो मेरी सब खा रहा है, सब खा रहा है और ये फुकती फुक सब भाई
और मोमो भी बच गए। अब तुम लोग खा रहे हो सब एक साथ तो अच्छे लग रहे हो। बाजी बस आपके साथ ढका होता तो आप भी आ जाती। चलो मैंने नीचे नीचे से अच्छा बना। ये तो है। अब कितना बनाऊं? एक बनाऊं या दो बना कर लाऊं? बना दो बना दो। हाँ फिर कोई ना कोई